आप सब लोगों का स्वागत है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आप जानते हैं, आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी, और अनेक पार्टियां थी। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, और इनके अलावा और लोग भी आए थे। और फिर जो यहाँ पर सुश्री ममता बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं, ये रही, शरद पवार जी यहाँ पर मौजूद हैं ये भी, और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे, और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। और फिर वो श्रीमती महुआ मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं वो भी रहीं, और श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी रहे, और फिर उद्धव जी ठाकरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वो मौजूद रहे, और बाकी जो सब लोग हैं सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी, और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी, और डीएमके के और भी उनके साथ आए थे डी आर बालू जी, और ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद ही हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावे अन्य लोग सब मौजूद रहे यहाँ, उनके साथ और लोग भी आए हुए थे, और हम लोग तो दो यहाँ के तो थे ही, और हाँ अन्य सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए, ये सब लोग रहे, और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है, और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी, और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा, तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है, और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे, और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे, और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे, तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है, और हर चीज़ के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती दौर पर कह दिए। सोरेन जी और हमारे अखिलेश भाई और तेजस्वी जी और सारे, क्षमा करना येचुरी जी, आप जरा कॉर्नर में बैठे इधर आए तो अच्छा रहता। तो सभी नेतागण मिले, और जो नाम उन्होंने बताया कि स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए, उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है, तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा
तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो बारह जुलाई बोलते ना, जो खैर हाँ ये तो टेंडेटिव है, लेकिन 12-2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाएं और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिट को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे, एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्हों कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो पूरे लोग आए हैं नेता वहाँ से,